हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज 6 मार्च 2019 और यह हमारी 91वीं क्लास है। 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लें क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस शहर में विदुषी अन्नपूर्णा देवी स्मृति उत्सव मनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले में हाल ही में विदुषी अन्नपूर्णा देवी स्मृति उत्सव मनाया गया है। अब बात आई है सागर की, तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको सागर के बारे में बता दें। मध्य प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसे डॉक्टर हरीशिंग गौर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, यह सागर में ही है। प्रथम फॉरेंसिक लैब सागर में ही स्थित है। नौरा देवी वन्य जीव अभ्यारण्य भी सागर में ही स्थित है। इसके अलावा सागर में आफचंद की गुफाएं भी मौजूद हैं। गढ़पहरा जो पुराना सागर के नाम से जाना जाता है, यह भी सागर में ही स्थित है। तो इतना आपको सागर के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में किसे सुपर अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है सुधा चक्रवर्ती। हाल ही में सुधा चक्रवर्ती को सुपर अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो शो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो शो 7 से 17 मार्च के बीच आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें यह 89वां यानी 89वां संस्करण है और इसमें विश्व की 800 से ज्यादा गाड़ियां शोकेश होंगी। तो दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो शो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जाएगा। अब बात आई है स्विट्जरलैंड की, तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको स्विट्जरलैंड के बारे में बता दें। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति हैं उली मॉरर और स्विट्जरलैंड की करेंसी है स्विस फ्रैंक। तो इतना आपको स्विट्जरलैंड के बारे में याद रखना है। और हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो शो 7 से 17 मार्च के बीच स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्न में से कौन सी भारतीय महिला गेंदबाज जो आईसीसी वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर हैं? तो इसका सही ऑप्शन है झूलन देवी। हाल ही में आई आईसीसी वनडे रैंकिंग में महिला गेंदबाजों में झूलन देवी टॉप पर हैं। इसके अलावा टॉप फाइव में भारत की शिखा पांडे भी हैं। तो आपको याद रखना है टॉप फाइव में जो है वो झूलन देवी हैं और शिखा पांडे हैं। चित्र में आप देख पा रहे होंगे ये है झूलन देवी जो आईसीसी वनडे रैंकिंग में भारतीय महिला गेंदबाज हैं जो टॉप पर हैं। इसके अलावा टॉप फाइव में शिखा पांडे भी हैं। अब बात आई है आईसीसी की, तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको आईसीसी के बारे में बता दें। आईसीसी की स्थापना 1909 में की गई थी और आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। आईसीसी के चेयरमैन हैं शशांक मनोहर और सीईओ हैं डेव रिचर्डसन। आईसीसी का मोटो आपको याद रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आईसीसी का मोटो है क्रिकेट फॉर गुड। और इसके अलावा 105 मेंबर कंट्री हैं आईसीसी में। तो इतना आपको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में याद रखना है, यानी आईसीसी के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाल ही में किसे मिसाइल सिस्टम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है जी सतीश रेड्डी। हाल ही में जी सतीश रेड्डी को मिसाइल सिस्टम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये DRDO के अध्यक्ष हैं। यह अवार्ड इन्हें अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा दिया गया है। इन्होंने नाग हेलिना आदि मिसाइल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब बात आई है DRDO की, तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको DRDO के बारे में बता दें। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी और DRDO का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। DRDO के चेयरमैन तो आपको पता ही है जी सतीश रेड्डी, जिन्हें यह अवार्ड मिला है मिसाइल सिस्टम अवार्ड। यह DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी को दिया गया है। और DRDO का जो मोटो है वो आपको याद रखना है, यह मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। DRDO का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। तो इतना आपको DRDO के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाल ही में किस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है जमात ए इस्लामी। यहाँ पर इस्लामी है, जमात ए इस्लामी पर हाल ही में
हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया है। आपको बता दें इस पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध का मुख्य कारण जमात ए इस्लामी का आतंकवादियों से संबंध होना बताया गया है। यह एक राजनीतिक और धार्मिक संगठन है। आपको बता दें जमात ए इस्लामी की स्थापना जम्मू कश्मीर में 1945 में की गई थी और इसकी स्थापना करता है अबुल अल मौदूदी। तो इतना आपको जमात ए इस्लामी के बारे में याद रखना है कि हाल ही में इस पर 5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसे टी बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है पी के बेजबरुआ। हाल ही में पी के बेजबरुआ को टी बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। ये पहले भी टी बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब ये टी बोर्ड क्या है तो आपको इसके बारे में बता दें, टी बोर्ड चाय की खेती और मार्केटिंग के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कराता है। टी बोर्ड की स्थापना 1 अप्रैल 1954 यानी 1954 में की गई थी और इसे सेक्शन 4 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। यह बोर्ड केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन रहता है, यानी टी बोर्ड केंद्रीय उद्योग मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत रहता है और हाल ही में टी बोर्ड के चेयरमैन बने हैं पी के बेजबरुआ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक को निर्माण और टेक्नोलॉजी वर्ष घोषित किया है? जिसका सही ऑप्शन है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक के लिए निर्माण और टेक्नोलॉजी वर्ष घोषित किया है। इन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया 2019 एक्सपो कम कॉन्फ्रेंस में यह घोषित किया और इस वर्ष के द्वारा एडवांस निर्माण तकनीक पर फोकस किया जाएगा, इसलिए यह वर्ष निर्माण और टेक्नोलॉजी वर्ष घोषित किया है हमारे प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत सरकार और किस बैंक के बीच मुंबई मेट्रो परियोजना के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जिसका सही ऑप्शन है एशियाई विकास बैंक। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच मुंबई मेट्रो परियोजना के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। आपको बता दें 926 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इससे मुंबई मेट्रो रेल के जो 2 लाइन्स हैं उसका ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। अब बात आई है एशियाई बैंक की, तो आपको बता दें एशियाई बैंक की स्थापना 1966 यानी 1966 में की गई थी। एशियाई बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और एशियाई बैंक में 67 कंट्री सदस्य देश हैं, यानी मेंबर देश हैं 67 देश। और एशियाई बैंक की स्थापना यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में की गई थी। तो इतना आपको एशियाई डेवलपमेंट बैंक के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ एचआईवी एड्स आयु लिंग स्टेट नस्ल भाषा आदि पर भेदभाव न करने का संदेश दिया जाता है। इस बार शून्य भेदभाव दिवस की थीम है व्हाट इज व्हाट इज, जो 2019 में शून्य भेदभाव दिवस की जो थीम है वह है व्हाट इज। आपको बता दें शून्य भेदभाव दिवस की शुरुआत 2014 में की गई थी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा और यह हर साल 2014 के बाद 1 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में मैक्री साल को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? जिसका सही ऑप्शन है सेनेगल। हाल ही में सेनेगल का राष्ट्रपति मैक्री साल को चुना गया है। ये दोबारा सेनेगल का राष्ट्रपति बने हैं। अब बात आई है सेनेगल की, तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता दें। सेनेगल की राजधानी है डकार और राष्ट्रपति यही है मैक्री साल। सेनेगल की प्रधानमंत्री है मोहम्मद डयान और सेनेगल की करेंसी है सीसीए फ्रैंक। चित्र में आप देख पा रहे होंगे ये है मैक्री साल जो सेनेगल के राष्ट्रपति चुने गए हैं दूसरी बार। क्वेश्चन नंबर 12, शेख मुजीबुर रहमान को किस उपनाम से जाना जाता है? जिसका सही ऑप्शन है बंग बंधु। शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देश बंधु को
देश बंधु का उपनाम जिन्हें जाना जाता है वह है चितरंजन दास और सी एफ एंड्रयूज को दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। जननायक जयप्रकाश नारायण को जननायक के नाम से जाना जाता है। तो आपको एक बार फिर बता दें, शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु, चितरंजन दास को देश बंधु, सी एफ एंड्रयूज को दीन बंधु और जयप्रकाश नारायण को जननायक के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम आपके साथ फिर मध्य प्रदेश और वर्ल्ड के इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।